सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसी सारे ठीक होंगे। मेरा अज गलबात करन दा जिहड़ा कारण यह बनिया भी मैं पिछले दिनी भाई रंजीत सिंह ढड्डरियाले उन्होंने कोई गल कही, उन्होंने टिप्पणी की, हालांकि बहुत सत्कारयोग आ वो टिप्पणी, बड़े प्यार नाल ते सत्कार नाल कीती गई सी भी जिहड़े पंथक मसले आ उन्होंने पंथ दे विच बैठ के नजिठिया जाए, उन्हां मसलियां नूं पंथ हैंडल करे, ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म ते आपां उन्हां नूं डिस्कस करके। मैं बड़ा हैरान होया ते तुसीं भी हैरान होंगे भी इस टिप्पणी तो बाद मेरे कोले बड़े मैसेजेस आए। उन्हां मैसेजेस ने मैनूं बड़ा हैरान किया, किवें किया। कुछ तो सुनेहे यह आए भी बहुत वधिया तुसीं गल कही है जी, पंथ नूं समझण आले बंदे जिहड़े हुंदे आ जिवें भाई रणजीत सिंह ढड्डरियाले आ उन्होंने ये गल सोचनी चाहिए आ भी सिख पंथ की एक मर्यादा, तो उस मर्यादा के अकॉर्डिंगली गल की जानी चाहिए है। एक तो यह सुनेहे आए, अगले जोड़े दूजे पासे के सुनेहे वो ये आए भी तुसी साडा दिल तोड़िया जी, तुसी भाई साहब नू जानते नहीं हो, तुसी भाई रणजीत सिंह ते जिहड़ी टिप्पणी की आ वो चंगी गल नहीं आ, साडे ते हमले होए आ। हुण अच्छा कुछ मैसेजेस उन्होंने जोड़े सपोर्ट करते अपने अपने ही बंदे आ, उन्होंने कोई भाषा भी कोई यहोजी यूज़ की जिदे ते मैं भी रिएक्ट कर सकता सी, क्योंकि वो झोटे कुट भाषा मैं उन्होंने उस गल नू कहना हुणा, ते मैं भी झोटे कुट बंदा ही हाँ। पर जदों असी इन्नी पंथ की कोई गल कर रहे होइए या कोई अध्यात्मिकता की गल कर रहे होइए, उत्थे मैनू भी ये लगता या असी ये गल सीखी आ भी बड़ी सूखमता नाल उत्थे सानू उहदे नाल डील करना चाहिए। एक बहुत ही सेंसिटिव जिन्हों सूखमता कहने आ उस तरीके नाल इस गल नू नजिठना चाहिए। सो मैं एक गल कहनी चाहूँगा भी मैं मानता थोड़े ते हमला होया, हमला निंदनयोग सी। एक गल जिहड़ी पंथ दी गल हुंदी आ एक गल अध्यात्मिक सूखमता नाल मेरे ख्याल च हैंडल करनी चाहिए आ, ते इहदे ते संवाद होना चाहिए और संवाद लई एक माहौल बनना चाहिए जिहदे च भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट आ, जिहदे च लैंगुएज अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट आ। वह दोनों धिर की, चाहे वह तुसी हो चाहे दमदमी टकसाल होवे, ये दोनों धिर की भाषा बड़ी मैटर करती है। सो संवाद भी जिहड़ा होना चाहिए उत बड़े सहज तरीके नाल एक दूजे की इज्जत नूं ध्यान च रख के, ते एक मर्यादा नूं जिहड़ी सिख धर्म की मर्यादा उन्हों समझ के उस संवाद नूं मेरे ख्याल च हैंडल करना चाहिए। पर मैं एक गल कहनी चाहूँगा जिहड़े ये साडे कोल एग्जाम्पल्स आ या जिहड़ियां उदाहरण वो सिख गुरु साहबाना तो शुरू हो जांदियां। तुसीं हमलियां दी गल मैं तुहानूं एक छोटी जी गल साडे इतिहास चों देनी चाहूँगा भी हमले जदों तो गुरु नानक साहब ने साडी इस विचारधारा नूं इत्थे इस दुनिया च प्रचारना शुरू किया तो उदों तो ही हमले हुंदे आए आ। वो हमले शाब्दिक हमले भी रहे आ, शब्दां लई बहुत हमले रहे, वह शरीरक हमले भी रहे आ। तुसीं इह देखो भाई दातू ने श्री गुरु अमरदास जी ते शरीरक हमला किया। अच्छा फिर उदू बाद धीर मल्लिया ने नौवें पातशाह ते गोली तक चलाती, पर ना श्री गुरु अमरदास जी ना श्री गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गल पंथ की सी, चुप कर गए। उन्हों का रिएक्शन तुसीं जे इतिहास नूं पढ़ोगे तो तुसीं जाणोगे भी जदों अध्यात्मिक गल आउंदी आ ते उत्थे जिहड़ा अध्यात्मिक बंदा हुंदा या जिहड़ा साडा लीडर हुंदा या हुण तुसीं प्रचारक हो साडे, तो वह उस अध्यात्मिक सूखमता नूं बहुत ध्यान च रख के आपदा रिएक्ट करते आ। इस तरह जदों संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां ते पंथ दे अंदरों बहुत हमले होए, बहुत लोगों ने उन्होंने बुरा भला कहा, बहुत अखबारों टिप्पणियां दित्तियां, बहुत बुरा भला कहा, पर उन्होंने कदे भी किसी ते कोई जिस्मानी या शाब्दिक हमला पंथ दे अंदर नहीं किया, क्योंकि पंथ की एक मर्यादा, वह मर्यादा श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने जदों अकाल तख्त साहब की नींह रखी उस फाउंडेशन ने तय करती
भी अकाल तख्त साहब साडा सुप्रीम पावर आ, दसवें पातशाह ने पंज सिंघां नूं आपदे तो वड्डी पावर देती भी पंज सिंघ साहिबान गुरु नूं भी ओवर रूल कर सकदे आ। इह साडे कोल इतिहास पिया, असी इतिहास की गल नहीं कर रहे, असी तां इस धरती दे हिक ते जिहड़ा इतिहास लिखिया उहदी गल कर रहे हैं। सो इसे लई जदों कोई सिख धर्म प्रचारक तुसीं अध्यात्मिकता की गल करते हो तो अध्यात्मिकता वालिआं दे जेरे बड़े वड्डे हुंदे आ, आपदिआं दी सट जरन दे जिहड़े जेरे हुंदे आ ना, वह बहुत वड्डे हुंदे आ। सो उत्थे इह गल नहीं रखी जांदी भी मैं वड्डा कि तूं वड्डा, इह गल भी नहीं रखी जांदी भी आपां अभद्र जिहड़ी भाषा वह प्रयोग करनी शुरू कर दिए। मेरे ख्याल च जिहड़े स्पैशली साडे सिख धर्म प्रचारक आ उन्हां नूं अध्यात्मिकता ते सूखमता दा बड़ा ध्यान रखना चाहिए, उन्हां दी भाषा बड़ी सरल होनी चाहिए आ, उन्हां नूं सलीका ते तरीका दोवें आने चाहिए आ। इस करके मैं थोनू आपदी एक अरदास आपदी एक अर्ज कीती सी भी साडी सिख धर्म की एक मर्यादा, वह मर्यादा ये कहती आ भी जिहड़े पंथ दे मामले आ वह पंथ श्री अकाल तख्त साहब की हजूरी च या उत्थे जथेदार साहब की हजूरी च हैंडल करता, और उदू बाद उत्थे जिहड़ा सिख कैडर हुंदा विद्वान हुंदे आ, क्योंकि सिखां दीआं आपदीआं रवायतां सिखां दीआं आपदीआं परंपरावां सिखां दी आपदी एक मर्यादा तय कीती होई आ। सिखां कोले मसले बहुत रहे आ, असीं आपस च नहीं निखड़ सकते, मसले साडे कोले साडी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दा मसला, साडे कोले साडी आजादी दा मसला, साडे कोले जिहड़ी हिंदूवाद आ इह कह रिहा भी सिख तां हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा, वह विचारधारा नाल निचिठण का बहुत वड्डा मसला, क्योंकि साडा इतिहास चेंज किया जा रहा, साडा लिटरेचर चेंज किया जा रहा, साडे ते बहुत तरह के हमले हो रहे हैं। सो उन्हां सारे हमलों नूं देखदे होए जे असीं आपस च ही लड़न लग जाइए, वह तो चाहते आ भी आपस च लड़िए, वह तो चाहते आ भी यह आपस च गंडासे चक के फिरते रहन, तो फिर मैनू ऐ लगता भी साडा संघर्ष तो चलता रहूगा पर उहदा कोई नतीजा नहीं निकलना, असीं किसे गल ते नहीं पहुँचना, फॉरवर्ड नहीं जाना। सो इस करके आपस च लड़ना बड़ी चंगी गल नहीं, सानू किसे गल ते पहुँचन लई साडे मसलियां नू प्रायोरिटाइज करना पऊगा भी किहड़ी गल नू फड़ के पहलां चलीए, बाकी मसले छड्डे जांदे हुंदे आ। हुण मैं बाला इहदा जाचक नहीं आ जां इहदा मैनू बाला नहीं पता, पर मैं एक गल थोड़ी जी थोड़े नाल इह करनी चाहुंदा भी दसम ग्रंथ ग्रंथ आ या सूरज प्रकाश ग्रंथ आ, ये मसले सालों तो सदियों तो चलते आ रहे हैं, तो गांह भी मैं लगता है चलते रहेंगे, क्योंकि ये विद्वान सिख विद्वान हैंडल करते होंगे आ। विद्वाना ने एक गल तय कर ली सी भी ये मसले कोई गल नहीं, पर एक गल तो सानू सारे पंथ नू मंजूर आ भी श्री गुरु ग्रंथ साहब साडे लई सुप्रीम आ, श्री गुरु ग्रंथ साहब की प्रधानगी असी स्वीकार करते हैं, तो असी अधीन ही आपदे आप नू रखना, तो इन्हां ये कोई मसले एडी गल नहीं हुंदी, छड्डे जांदे हुंदे आ। सो इहदे ते विद्वाना नू आपदी जिहड़ी पड़चोल आ उह करन दो, इहदे ते विद्वाना नू जिहड़ी आपदी कोई समीक्षा करनी आ उह करन दो, इन्हां नू इशू ना बनाओ। इस करके जिहड़ी टीवी ते बहस करन वाली गल आ या कैमरियां दे अगे बहस करन वाली गल आ वह बड़ी राजनीतिक गल आ, और सिख धर्म का सिद्धांत आ जिहड़ा वह आत्मिक या अध्यात्मिक सिद्धांत आ, वह धर्म का राह पहलां दसदा फिर राज ते आउंदा, क्योंकि धर्म ने सानू एक चंगा इंसान एक संपूर्ण इंसान बनाउणा हुंदा, धर्म ने सानू इस गल च इंसानियत च बिलीव करना सिखाउणा हुंदा, तां ही असीं एक कोई चंगा राज जां चंगी एक इंस्टीट्यूट सवार सकदे हां, क्योंकि तुसीं राष्ट्रवाद वाले पासे ना जाओ, राष्ट्रवाद राजनीति च पहला विश्वास करता कहिंदा धर्मां नूं तुसीं आपदे सिद्धांतां नूं छड्ड दो, तुसीं राष्ट्रवाद वाले पासे आओ, नहीं सिख इसे विचारधारा ते आ के इह कहिंदे आ भी पहला साडा धर्म आ, क्योंकि धर्म सानूं पहला इंसानियत सिखाउंदा, सानूं साडा आत्मक बल नूं उच्चा चकना सिखाउंदा, जे इह चीज़ां साडे च आउंदियां तां ही इक असीं चंगा राष्ट्र या चंगा एक इंस्टीट्यूट उसार सकदे हां। इह इक सैपरेट बहस आ जिहड़ी करन लई बड़ी होर स्टडी करनी पैंदी आ या होर स्टडी होनी चाहीदी आ या इतिहास नूं समझना पैंदा या
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਥੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੀਰੀ ਵੱਡੀ ਆ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੰਵਾਦ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਥ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਾਈ ਤੂੰ ਪੰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਥ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਲਤ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਵਾਕ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕੈਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਜਿੱਠਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਥ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ, ਭੱਦਰ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਆਪਦਾ ਜੋ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈ
भी जे यह कट्ठे हो गए फिर किसी तो रुकते नहीं रुकने, क्योंकि इन्हां च जिहड़ी चेतना हुंदी है ना ओह या इन्हां च जिहड़ी आत्मक बल हुंदा ओह इन्हां नूं गुरु तो मिलता। तो उहदा सोमा साडा जिहड़ा आत्मक बल का सोमा वह श्री गुरु आई मीन वह अपना दरबार साहब श्री अमृतसर साहब हरिमंदर साहब आ। और जदों इस करके 18वीं सदी च मुगलों ने हरिमंदर साहब पर अटैक किया। हुण अंग्रेजों के अटैक करन दा की ढंग सी, अंग्रेजों ने सारे देश च बाकी सारे धर्मां दे जिहड़े लोग सी उन्हां नूं खुल दित्ती भी तुसीं आपदा आपदा धर्म मन सकदे हो, आपदे आपदे मंदर आपदियां आपदियां मस्जिदां तुसीं आपदे हिसाब नाल चला सकदे हो। पर जदों सिखां ते गल आई उन्होंने गुरद्वारियां दा कंट्रोल तक्के नाल आपदे हाथ च लिया। पहला महंत हुंदे सी, महंत गुरद्वारियां दा प्रबंध चलाउंदे सी, तो वह गुरद्वारे साहबान जिहड़े उस अपने गुरद्वारे साहब सारे सी उत्थे महंतां नूं कढ़न वास्ते जदों सिंह सभा लहर तो बाद वह चेतना जागी उत्थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महंतां दे नाल जाके खड़े होए। तो जदों गुरद्वारे साहब अपने सारे जिहड़े आ उहदा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपदे हाथ च लिया, क्योंकि उन्हां नूं पता सी जे सिखां नूं गुरद्वारियां दा कंट्रोल देता जे इह इकट्ठे हो गए तो इन्हां ने आपदे सॉवरन होण दी गल करनी है, इन्हां च चेतना आउणी है, इन्हां च फ्रीडम दी गल आउणी है, इन्हां च डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दी गल आउणी है, तो इकट्ठे ही नहीं होण दित्ता। यही गल अगली हकूमत जिहड़ी आपां कहिंदे आ भी हिंदुस्तान या स्टेट ऑफ इंडिया दी हकूमत कोई भी इह पोलिटिकल फ्रंट आ जिहड़े आपां कह दिंदे आ बीजेपी आ या कांग्रेस आ है सारे इक्को ही, इन्हां दी विचारधारा भी इक्को ही आ। सो उन्होंने भी यह गल समझी, उन्होंने हुण भी गुरद्वारा जिहड़े अपने सारे गुरद्वारे सी उन्हां ते कंट्रोल करना सी, वह कंट्रोल किया गया साढ़े ही कौम के बंदियां दे थ्रू, क्योंकि सीधा आके तो वह कंट्रोल कर नहीं सकते सी। ते इस करके अज तक असीं इस चीज़ नाल भी लड़ रहे हैं, क्योंकि अज के टाइम च श्री गुरु हरगोबिंद साहब का जिहड़ा साडा मीरी ते पीरी का जिहड़ा सिद्धांत सी वह उल्टा करता इन्होंने, इन्होंने मीरी उत्ते करती ते पीरी थले करती, ते उहदे च साडी सिख लीडरशिप ने बहुत वड्डी हमायत की। सो पंथ कोले तुसीं सोचो किन्ने मसले आ इस टाइम जिहड़े नजिठे जाने चाहीदे आ। इस करके मेरी अरदास आ इस पंथ नूं इस कौम नूं आपस च ना वंडो, इकट्ठे हो, बहुत जरूरी आ, बड़ियां लड़ाइयां लड़नियां बाकी आ, बड़े साडे कोले मसले उहनां नाल नजिठना बाकी आ। ते इस गल की जिहड़ी जां कोई पड़चोल भी करनी है तुहानूं हक आ किसे गल का पड़चोल करन दा, उहदे ते टिप्पणी करन दा, उहदा एक तरीका ते सलीका होना चाहीदा, उहदे च जिहड़ी अध्यात्मक सूखमता उहदा ध्यान रखिया जाना चाहीदा कोई भी धिर होवे। क्योंकि जदों जथेबंदियां की गल करदे आ या सिख जथेबंदियां की गल करदे आ तो पहली गल धर्म आ, उदों बाद राजनीति आ। आपदियां तुसीं पोजिशनज़ का ख्याल ना करो, आपदियां कुर्सियां का ख्याल ना करो, पहला पंथ आ फिर थोड़ा राजनीतिक जिहड़ा पक्ष आ उस गल ते असीं आ सकते हाँ। सो इसलिए मेरी अरदास आ मैं किसी नूं कोई भी यह गल किसी भी इस जज्बे च नहीं कही सी भी मैं थोड़ी किसी लैवल ते जाके निंदिया करना चाहुंदा होवां या मैं थोड़ी बेइज्जती करना चाहुंदा होवां, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, ये मेरी जमा ही कोई भावना नहीं आ। मैं थोनू बड़ा सत्कारयोग मानता, मैं हर सिख प्रचारक नूं साडे हर सिख विद्वान नूं बड़ा सत्कारयोग मानता। साडा धर्म एक न्यारा धर्म आ, साडे च न्यारा पाणा, असीं सर्व दे भले की अरदास करते हैं। तो जदों असीं किसी भी विद्या की गल करते हैं या बाबे नानक साडे श्री गुरु नानक देव जी ने यह गल कही सी भी विद्या विचारी तां परोपकारी, असीं तां परोपकार की गल करते हैं, तो साडे नाल धक्का ना करो। क्योंकि प्रॉब्लम एक होर आ, इह सारियां गल्लां ते ना बड़ी स्टडी की जरूरत आ, स्टडी करनी चाहिए आ, मैं भी सीख रहा हाँ, आपां सारयां नूं सीखनियां चाहीदियां। साडी जिहड़ी लड़ाई आ उह पोलिटिकल फ्रंट तो शुरू हुंदी आ, साडे कोले पोलिटिकली साडे नाल धक्का हो रहा हुंदा, कितें वितकरा हो रहा हुंदा, उस पोलिटिकली वितकरे दे अगेंस्ट असीं आवाज़ चकदे हाँ। तो आवाज़ जदों असीं आपदी बुलंद करदे हाँ उस वेले साडे ते जुल्म हुंदा, साडी कतलोगार तक गल आ जांदी आ, जिहड़ा कि असीं 84 च देखिया। तुसीं इह जून 84 च फिर उदों बाद नवंबर च भी असीं पोलिटिकली ही गल उठाई सी ना भी साडे नाल वितकरा हो रहा, पर उस गल नूं
कोई होर रूप दे दिता गया स्टेट ने, उन्हों धार्मिक भी बनाता, उन्हों फिरका प्रस्ती भी दी भावना घटती, उन्हों यह कहता भी यह तो अतवादी आ, पर गल पोलीटिकल सी। फिर साड़ी कतलोगारत हुई, फिर असी उस कतलोगारत दे इंसाफ थे इंसाफ वास्ते उहदी जस्टिस वास्ते लड़ना शुरू कर दिंदे आ, और उहदी जस्टिस वास्ते लड़दे लड़दे असी यह भुल जाने भी गल असल की सी, असल मुद्दा की सी, पोलीटिकल जिहड़ी असी इनजस्टिस खिलाफ आवाज उठाई सी वह तो पिछे ही रह जाती है। और वार वार साडे नाल यही गल हो रही है, जे असी हजे भी गल ना समझांगे तो साडे नाल आई हुंदा रहूगा। सो इस करके मैं कोई भी गल ये नहीं कर रहा भी फिरका प्रस्ती की गल की जाए, मैं ये भी गल नहीं कर रहा भी वक्खवाद की गल की जाए, मैं सिर्फ जस्टिस की गल कर रहा, भाईचारे की गल कर रहा, प्यार ते सांझ की गल कर रहा, तो बड़ी इज्जत नाल ते बहुत ही निम्रता नाल हथ बन के अरदास कर रहा भाई रणजीत सिंह ढड्डरियाले नूं भी प्लीज़ पंथ नूं तुसीं उत्ते उठो, तुसीं धर्म के प्रचारक हो, सिखी के प्रचारक हो, अध्यात्मक सूखमता दिखाओ, आपदे आप नूं वड्डा इंसान बनाओ, वड्डा जेरा रखो, तो माफ़ करो, तो पंथ कोले जाके श्री अकाल तख्त साहब जथेदार साहब कोले जाके बैठो, तो जिहड़े उत्थे जथेदार साहब मैनूं पूरी आस आ जिहड़ा दूजा धेरा या दमदमी टकसाल जे तुसीं कहिंदे हो भी ओह धेरा ਉਹ ਆਪਦੀ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੁਆੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਰਚਣਾ, ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਰਚਣਾ, ਬੜਾ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ, ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਗੰਡਾਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਆ ਵੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਦੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।